देश की कुछ अन्य खबरों की। कोरोना काल में जीएसटी के मोर्चे पर सरकार ने दी बड़ी राहत। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया। बंगाल में नहीं थम रही हिंसा की घटनाएं। बीरभूम में हरासोल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। दिग्विजय के क्लब हाउस वाले बयान पर बीजेपी का हमला। एमपी बीजेपी अध्यक्ष ने एनआईए जांच की मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी चुनाव से पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का यूपी की तरफ पलायन। गाजियाबाद से पकड़े गए 2 रोहिंग्या नागरिक। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में बनी झुग्गियों में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। रात तकरीबन 12 बजे फायर डिपार्टमेंट को आग लगने की जानकारी मिली। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में तेज रफ्तार इको वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक रूप से मौत, 6 लोग करीब घायल। यूपी के बागपत में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि उसके 2 साथी भागने में रहे कामयाब। दिल्ली में पानी के लिए मचा हाहाकार। सरिता विहार से लेकर करोल बाग तक पानी की भारी किल्लत। बीजेपी आम आदमी पार्टी ने पानी संकट के लिए एक दूसरे पर लगाया आरोप। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर ब्रिगेड, पुलिस अलर्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड भी और नेवी को भी अलर्ट किया गया। दिल्ली एनसीआर में भी आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मध्यप्रदेश के कई इलाकों में भी गरज के साथ हो सकती है बारिश। तो रुकेंगे यहां पर, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।